मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक निजी दौरे के दौरान पांवटा साहिब पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पत्रकारों से बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हाटी जनजातीय मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है और लोगों को बांटने का भी काम कर रही है। यहां उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रदेश की जनता के हित के हर मुद्दे बड़ी मजबूती के साथ उठाए हैं। पांवटा साहिब पहुँचने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी, पूर्व विधायक बलदेव तोमर और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहां पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी रणनीति भी साझा की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं के साथ पांवटा साहिब में शुरू हुई नमो नमो टी स्टॉल पर चाय की चुस्कियों का भी आनंद लिया। हमने भी केंद्र में बात की है गृह मंत्री जी से, जो कुछ टेक्निकल चीजों पर कुछ प्रश्न कुछ क्वेरीज खड़ी करने की कोशिशें हुई है। उनकी क्लैरिफिकेशन, उनकी सारा स्पष्टीकरण, सारी चीज़ों का अगर जल्दी हो सके तो मुझे लगता है कि फिर लोग सेटल हो करके एक माहौल में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना शुरू करेंगे। और एक बात को लेकर के हम इस बात को देख भी रहे हैं कि हाई कोर्ट में भी कुछ बच्चे गए थे और जिनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो ले करके हाई कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है, एक तरह का एक इंडिकेशन दे दिया है उस दृष्टि से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब राजनीति वाली बातें पूरी हो गई, काफ़ी हो गई, लंबा अरसा हो गया सारे विषयों पर। अब आगे बढ़ करके काम करना चाहिए और समाज में जिस तरह का विभाजन पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं कांग्रेस की ओर से, उन सारी चीज़ों को मैं मानता हूँ वो ठीक नहीं है। समाज के लिए ये सारी चीज़ें नुकसानदायक होती हैं, हमको मिल करके इकट्ठा काम करना है।